तो भाई साहब आपने जो रीफर चला रहा है हाँ जी, तो ये कौन सी कंपनी का है और उसको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है आप बता सकते हैं? ये ग्रीनलैंड कंपनी को है जी ये, मैं कहा है किसान है, भस्कुबदा है जी जी है। नहीं तो कहा है छोटी पूर बंद है, जल्दी भी सूख जाते हैं भाई, हाँ और अपन है मूंग वगैरह कछु भी बवनी करने हैं तो वो भी जल्दी हो जाते हैं, मतलब किसान है बहुत सुविधा है ये। मैं अच्छा, तो इसमें कैसी का कितनी क्या ब्लेड लगी रहती है? इसमें तो ब्लेड लग घर है जो 6 फुट का है जी, नहीं और जो सियन है तो यहाँ से टीसी फंसी तो जो ले जाता था खेत से जी, तो यहाँ आई ये ऐसा कहा बंद जाता है। अच्छा, कहाँ पे एक मिनट दिखाने दो दर्शकों को, यहाँ दूर। अच्छा, इसमें रखी रहती है? हाँ, तो यहाँ से आई है, इसमें फंसा था और जो पकड़ा रहा था तो ये तक कस जात है और यहाँ से पूर बंद करने कर जात है जी। और जैसा रस्सी कट रही है टूट रही है तो जो हाँ। है ये तो बताओ जो नट थोड़ा सो कस देते हैं लूज हो जाता है तो रस्सी टूटन लगा है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बाल के भर भी नहीं फेंका का अपनी पिसी झड़ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपने इसमें जो ट्रैक्टर दिख रहा है महिंद्रा का सरपंच, इसमें फिटिंग करवाई है तो इसका कैसे क्या प्राइस लगा है आपको इसकी पूरी फिटिंग करवाने के? 70,000, 2,70,000 में पूरी फिटिंग कर कर दी है। अच्छा, हाँ तो मतलब जो ट्रैक्टर के आगे जो सब कुछ लगाया गया है ये सब पुल्ली उल्ली, हाँ जी पूरी ये सब फिटिंग पूरा है, फिटिंग करके दिया है, पूरी फिटिंग करके तो दिया। कितना क्या पड़ा है ये? अपन ने 2,70,000 रुपये अपन ने जमा करे, अपन ने जान के ट्रैक्टर ढी लो तो डीलर ने पूरा फिट कर खदाओ है अपन ही। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रीफर है जो कि पिसी काटने वाला है, जो कि हमारे गांव में करहिए नर्मदा दीप्पू साहू का है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जैसे किसी कोई जानवर आनवर मचा देते हैं अपन शिफ्ट डालते तो गिर जाती है, उसके लिए कैसा क्या रहता है इसमें? वो गिरी पिसी नहीं उठाए, अच्छा गिरी पिसी नहीं उठाए, वही के विपरीत अगर रहे हाँ तो हाँ वो काट के फिर बांध देते हैं। अच्छा, हाँ तो ये सुविधा है, मतलब जो गिरी गिर जाती है पिसी उसको नहीं उठाता है? नहीं, अच्छा, तो एक इसका एडवांटेज है। तो देख सकते हैं भाई लोगों, ये इनका रीफर है जो कि हमारे खेत में चलने आया था, तो हमने इसका इनका इंटरव्यू वीडियो बना दिया है। ये दीपचंद साहू जो कि करहिया निवासी है नरसिंहपुर इनका जिला, अगर किसी को चलवाना हो तो 2,000 रुपये प्रति एकड़ ये चलाते हैं और इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, जो कि सहजता और सरलता से काम हो जाता है। और आप इनसे बात करना चाहते हैं तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग ब्लेडों को देख सकते हैं, और आपको कैसा क्या नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान नहीं है, थोड़ी सी कहा सादे स्टेयरिंग में परेशानी जा रही है। कैसी परेशानी? मतलब पावर स्टेयरिंग रहना चाहिए। अच्छा, तो मतलब टाइट करता है थोड़ी? हाँ, जो कहा सादो स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग रहना चाहिए। अच्छा, रेजिरेटर चोक होता है। अच्छा, वो हर 4 घंटा में साफ करो। तो आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है जिसमें पावर स्टेयरिंग नहीं है, तो ये दिक्कत बता रहे हैं कि इस ट्रैक्टर पावर स्टेयरिंग होना चाहिए, जैसे 275 होता है महिंद्रा का, उस टाइप के ट्रैक्टर इसमें बहुत आसानी से चल जाते हैं। और ये यहाँ पर रस्सी होती है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी, यहाँ पर डली होती है। तो अब इनको खाना खाने जाना है, तो आप लोग इनसे कटवाना चाहते हैं तो इन्हें कांटेक्ट करें, और यहाँ पर ये सब साफ करना पड़ता है। कटवा भी नहीं यार, जानकारी का जा कांटेक्ट करो, जानकारी बता पाए अपन काट ना पाए। हाँ ठीक है, तो भाई हमने देख लिया है आपका रोड जो जो रीफर है जो चल रहा था खेत में हमारे, तो इसने कटिंग तो बहुत अच्छी की है, बाकी आप बताइए इसके बारे में और जानकारी, मतलब कैसा का प्राइस इसका चलता है? हमने तो चलवा ही लिया है जी, अपन का ठेका लेते हैं, 1 एकड़ अपन 2,000 रुपये हम काट है। अच्छा, 1 एकड़ हाँ। के 2,000 रुपये लगते हैं, और हाँ। इसके आदमी भी लगते हैं इसमें, और की बस हाँ। आप ही चलाते हो? नहीं, मोड़ पे अपन जैसे हैं मोड़ पे तो एक दो पूरा अलग करना पड़ा। अच्छा, अलग हाँ। करने पड़ते हैं मतलब? हाँ। और कुछ परेशानी तो नहीं आती इसमें? और कुछ और नहीं। जो पिसी जो गिर जाती है किसान लोग की, उस दीपचंद साहू का रीफर है जो कि सुरा वो महिंद्रा ट्रैक्टर में फंसा हुआ है, तो ये हिच लगी हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्रास 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 बोलते हैं इसको। और आप इसको यहाँ से, और आपको पीछे से बताते हैं कि ये पीछे से कहाँ कैसा सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर जी नीचे से पुल्ली गई हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ट्रैक्टर के नीचे से गई हुई है,
तो ये आगे गई है तो वहाँ से रीफर चलता है। जो अपना हाइड्रोलिक्स तो भाई साहब आपको इसमें कुछ दिक्कत परेशानी आई है? दिक्कत तो अपन कछु नहीं आई है, ठीक चल रहा है। काश समय समय की एक देख रेख करना पड़ा था, नट भी खुल जाते हैं। एवं मतलब कहा है 10 घंटा चलाओ, 10 घंटा चलावे के बाद पूरे में ग्रीसिंग करना पड़ा था। अच्छा हाँ, तो कितना क्या ग्रीस लग जाता है उसकी ग्रीसिंग करने के लिए? 200 ग्राम रोज। अच्छा 200 ग्राम रोज लग जाता है। हाँ। अच्छा तो मतलब मेंटेनेंस फ्री है। हाँ। चलो अपन खेत में चला के देखें। चलो ठीक है, खेत में चला के देखते हैं कौन सी कंपनी की।